मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान। भड़काऊ भाषण के मामले में 3 साल की सजा होने से कानूनी शिकंजे में फंसे सपा महासचिव आजम खां की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। विधायकी तो चली ही गई है, अब उनकी राजनीति पर भी संकट मंडराने लगा है। बदलते हालात में विरोधी मुखर हो गए हैं। रामपुर की सियासत में पिछले 42 साल से आजम खां का दबदबा कायम है। वो 10 बार विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य रहने के साथ ही प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। प्रदेश में जब भी सपा की सरकार बनी तो उन्हें कोई न कोई विभाग जरूर दिया गया, यानी कि वो राज्य के मंत्री जरूर रहे हैं। 2019 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन लोकसभा की सदस्यता उन्हें ज्यादा रास नहीं आई। इस चुनाव के दौरान ही उनके खिलाफ आचार संहिता एवं आपत्तिजनक भाषण के दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो गए। आपको बता दें कि उनके खिलाफ 93 मुकदमे अभी दर्ज हैं। उनकी पत्नी, दोनों बेटों और बहन के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद आजम खां का सियासी रुतबा कायम रहा। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में वो सीतापुर के जेल में बंद थे, लेकिन फिर भी उन्हें 1,31,000 वोट मिले और वो 10वीं बार विधायक बने। आजम खां की जिद के आगे 2 बार सपा नेतृत्व को भी उनके सामने झुकना पड़ा है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुसलमानों के नेता माने जाने वाले आजम खां की गढ़ रामपुर में संसदीय उपचुनाव व विधान परिषद चुनाव भाजपा जीत चुकी है। दोनों ही चुनावों में मुसलमानों का रुख भाजपा की ओर देखा गया। करीब 1 महीने पहले अब्दुल्ला के करीबी रहे 2 लोगों की निशानदेही पर ही जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की मशीन बरामद की गई थी। इसके अलावा चोरी की किताबें भी मिली थी। बदलते हालात का ही परिणाम रहा कि बीते दिनों रामपुर की पालिका अध्यक्ष रही रेशमा बी ने भी कमिश्नर से मिलकर 2005 के तिजोरी चोरी मामले में कार्रवाई की मांग कर दी। उनका इशारा जौहर यूनिवर्सिटी की ओर ही रहा। तो अब इतने केसेस में फंसे आजम खां की सियासत भी डामाडोल नजर आती है। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।